ओके सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाला हूँ, जो कि इस टाइप का फोटो ऑप्शन सा लगता है। और इस टाइप का एडिट करने के लिए सो गाइस, आप लोग अपना पिकसार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यार लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से आप लोग पिकसार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो पिकसार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद गाइस, आप लोग को प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग एडिट फोटो पर चले जाना है। और यहाँ से आप लोग जिस भी फोटो का एडिट करना चाहते हैं उसे आप लोग को ऐड कर लेना है। तो हम भी फोटो ऐड कर लेते हैं गाइस। और अभी तक से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो सो गाइस, मैं फोटो एक ऐड कर लिया हूँ, तो इसे आप लोग को एडिट करना घुमा लेना है। और टूल्स वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट पर चले जाना है। और यहाँ से आप लोग कुछ इस टाइप का फोटो अपने को एडजस्ट कर देना है गाइस। और इसे आप लोग कम कर देना है या लाइट अपने हिसाब से रख लेना। और शैडो को भी आप लोग को डिक्रीज कर देना है। ऊपर में आप लोग ब्राइटनेस को भी डिक्रीज कर देना है। तो ब्राइटनेस को कुछ इतना डिक्रीज कर देने के बाद गाइस, आप लोग इधर इरेज का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और अपने फेस पर जो भी इफेक्ट आ चुका है उसे आप लोग को इरेज करना है। तो मैं थोड़ा फास्ट में कर देता हूँ गाइस इरेज, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो सो गाइस, अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो। तो सो गाइस, मेरा देख सकते हो मेरा इरेज हो चुका है। नीचे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड फोटो पे चले जाना है, और इस वाला पीएनजी को आप लोग को ऐड कर लेना है। या लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इस वाला पीएनजी को। तो इस पर ले लेने के बाद इसे आप लोग फुल फ्रेम में कर देना है गाइस। और फुल फ्रेम में कर देने के बाद नीचे आप लोग को स्क्रॉल डाउन करना है, उसी पर क्लिक करके और ब्लेंडिंग पर चले जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद गाइस, यहाँ से आप लोग इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद गाइस, आप लोग इधर आप लोग इरेज आइकन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो भी आप लोग को अपने फेस पे इफेक्ट आया है इफेक्ट, उसे आप लोग को इरेज करना है। तो मैं अपना इफेक्ट इरेज कर लेता हूँ गाइस, जो कि फेस पर आ चुका था। तो मैं इसे इरेज कर लिया हूँ गाइस। सो गाइस, हैंड को भी मैं इरेज कर लेता हूँ। इतना कुछ कर देने के बाद गाइस, आप लोग को ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद गाइस, आप लोग ऊपर आ जाना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करना है। इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोग इधर आप लोग कलर पर आ जाना है। और कलर पर आ जाने के बाद गाइस, आप लोग फर्स्ट में जो कि ऑप्शन दिख रहा है कलर स्पीक, इस पर आप लोग क्लिक करना है। और इधर आप लोग साइड में ले आ जाना है। और इधर आ जाने के बाद गाइस, आप लोग यहाँ से कलर अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हो। तो मैं एक कलर ऐड कर लेता हूँ। तो ये वाला मैं कलर ऐड कर लिया हूँ, यहाँ से आप लोग को ओके कर देना है। तो सो गाइस, ओके कर देने के बाद गाइस, आप लोग फिर से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इधर आप लोग एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो कि तीसरा नंबर पे, इसे आप लोग को फुल कर देना है। और ऊपर में आप लोग को इरेज आइकन पर क्लिक करना है और अपने फेस पर इरेज कर देना है। जो भी आप लोग देख सकते हो इफेक्ट आ चुका है, तो इसे आप लोग को इरेज कर देना है गाइस। और इरेज कर देने के बाद यहाँ से आप लोग को ओके कर देना है। तो ओके कर देने के बाद गाइस, कुछ इस टाइप का फोटो एडिट हो चुका था। आप लोग को टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट पर चले जाना है। यहाँ से आप लोग इसे आप लोग को हाई कर देना है। और फिर यहाँ से आप लोग इरेज आइकन पर क्लिक करना है। और फेस पर जो भी इफेक्ट आ चुका है इसे आप लोग को इरेज कर देना है। तो अभी तक से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो सो गाइस, मैं अपने फेस पर इरेज कर लिया हूँ गाइस। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से इरेज कर लेना। तो इतना कुछ कर देने के बाद यहाँ से आप लोग ओके कर देना है गाइस। और ब्राइटनेस को अपने फोटो के हिसाब से मैच कर लेना गाइस। तो हम ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करके और अपने फेस पे कुछ इरेज में कर लेता हूँ। और शैडो को भी आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। मैं थोड़ा डिक्रीज या इंक्रीज कर लिया मैं, और इसे मैं इतना रख लेना हूँ। इतना कुछ कर देने के बाद गाइस, आप लोग ओके कर देना है। तो सो गाइस, ओके कर देने के बाद इसे आप लोग को सेव करने के लिए गाइस, आप लोग को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ड्रॉ पे चले जाना है। और इधर आप लोग को पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और आप लोग इधर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके से इमेज कर देना। ये आप लोग गैलरी में इमेज सेव हो जाएगा, वो भी फुल एचडी में गाइस।